तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता की। अब श्रीमद् भागवत गीता लोग पढ़ने के नियम जानने के बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते समय क्या कुछ खास नियम हैं जिनको पढ़ने से उनको सटीक तरह से श्रीमद् भागवत गीता का लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का समय क्या होता है, बहुत लोगों के मन में इस चीज का प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत गीता को किस समय पे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम आपको इस विषय में बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, मगर इसके सही तरह से अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको पढ़ने के लिए सही समय रहता है सुबह का, यानी सुबह उठ करके आप स्नान करके श्रीमद् भागवत गीता का पाठ मंदिर में बैठ करके लाल रंग के आसन पर जरूर करें। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ भी नहीं लेना है, इनफैक्ट चाय कॉफी पानी अगर आप लेते हैं तो वो भी नहीं लेनी है, तभी आपको इसके सही फल प्राप्त होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो लाल रंग के ऊनी आसन पे बैठ करके इसको आपको पढ़ना है। वहीं पे इसको पढ़ते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा है उसका मन विचलित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या फिर जो व्यक्ति इस पाठ को सुन रहा है उसका भी मन विचलित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पाठ को करते समय बातें करना वर्जित माना जाता है। जितना आप अपना मन, अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको इसके सही फल नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि इस पाठ को करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप चाहे कितनी भी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं, उस सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको केवल श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से ही मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता नियमित रूप से पढ़ने से इसका पूर्ण लाभ मिलता है। इसको एक ही जगह पर बैठ करके पढ़ना चाहिए, यानी अलग अलग जगह अगर आप बदलते हैं तो सबसे पहले तो उसको बंद कर दीजिए, एक ही जगह पर बैठ करके पढ़िए ताकि एनर्जीज जो है वो उत्पन्न हो और आपका जो ज्ञान चक्षु है वो खुले। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस पाठ को करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नियमित रूप से पाठ करते हैं, यानी आप 40 दिन का पाठ करते हैं, जितने भी दिन का पाठ रखते हैं, तो उस दौरान आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, यानी प्याज लहसुन मांस मदिरा इन सब चीजों के सेवन से आपको बच करके रहना है। वहीं पे अगर देखा जाए तो अगर आप संभव ना हो कि आप हर एक अध्याय पढ़ सके तो केवल आप श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय ही पढ़ लें। 18वें अध्याय में ही पूरी श्रीमद् भागवत गीता का सार आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने के बहुत सारे लाभ होते हैं। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका पाठ कर रहे हो तो पाठ करते समय आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि पूरा एक अध्याय समाप्त करके ही आप उठें, उससे पहले ना उठें, और उसके बाद गीता आरती जरूर करें ताकि आपको इसके सही फल प्राप्त।